गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स के सीरीज में 22 मार्च में पहुंच चुके हैं और यहां पर द हिंदू और पीआईबी के अंदर जो न्यूज अपीयर हुई है उसको हम एमसीक्यू के थ्रू इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझे टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। आज के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कशन हमारा रहेगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल को लेकर, राज्यसभा के अंदर इसे अभी रिसेंटली पास किया गया है, निकोबार आयलैंड को लेकर एक न्यूज रहने वाली है, डैमेज रिकवरी बिल को हम डिस्कस करेंगे, हीलियम के ऊपर एक क्वेश्चन है, एक कल्चर रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को डिस्कस करते हुए, अनंग पाल के बारे में एक क्वेश्चन हमारा रहेगा, चंबल जो कि मैप रिलेटेड दो क्वेश्चन देखेंगे आज यहां पर, और एनपीपीए के बारे में भी हमारा डिस्कशन होने वाला है। संडे को जो आपके मैप रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे स्पेसिफिक टू मैप्स वो रेज्यूम किए जाएंगे संडे से, और जो ये रिवीजन वीडियोस हैं ये आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। रिवीजन वीडियोस आपको जरूर करने, जब भी आपकी होम स्क्रीन पे शो होते हैं इसे आपको स्टार्ट करना है एंड देन सोचना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मेरे आंसर देने से पहले आप रिवाइज बेसिकली रिकॉल करिएगा क्योंकि ये सभी चीजें हमने पहले कर रखी हैं और एक साल के जो पूरे ऐसे वीडियोस हैं, ज्यादा लंबी लेंथ नहीं होगी इसके, 1 से 2 या 3 मिनट के मैक्सिमम ये वीडियोस होने वाले हैं, इसको आपको रिवाइज करना जरूरी है। मेरे आंसर देने से पहले आंसर को रिकॉल करना जरूरी है और फिर एक्सप्लेनेशन जरूर सुन लीजिएगा। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द नेटमोक आईएएस एप्लीकेशन एज वेल एज द नेटमोक एप्लीकेशन। यहां पर आपको फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं और पेड कोर्सेज दोनों ही अवेलेबल है और इसके ऊपर आपको फ्री कंटेंट मिल जाता है। दोनों एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड दीज एप्लीकेशन। चलते हैं यहां पे, सबसे पहले अपने टारगेट को सेट करें। कट ऑफ जो रखी गई है वो 6 MCQs की रखी गई है। आप जितना भी चाहे टारगेट सेट कर सकते हैं और फिर उसे ट्राई टू अचीव, और धीरे धीरे फिर हम इंप्रूवमेंट भी करेंगे। जरूरी नहीं कि अगर टारगेट अचीव नहीं हो पाया तो आपका के प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू आर सपोज टू सेट द टारगेट एंड देन कोशिश करिएगा एवरी डे यू ट्राई टू इम्प्रूव योर स्कोर सो दैट आप डेली बेसिस पर फिर अपने टारगेट को मीट करना शुरू कर दें। तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपने टारगेट को सेट करें। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020, और अभी इसे राज्यसभा के द्वारा मंजूरी मिल गई है, इसी वजह से न्यूज में था और यहां पर हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो भी बनाया। लोकसभा में इसको लास्ट ईयर ही पास कर दिया गया था, तब भी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया था, बट यहां पर क्योंकि राज्यसभा में अभी इसको पैसेज किया गया है तो ये न्यूज के अंदर अपीयर हुआ है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस पर्टिकुलर बिल को लेकर सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है उसको आप अंडरलाइन करें। पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताएं, करेक्ट स्टेटमेंट कौन से, 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली कहती है अनमैरिड वुमेन कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, इसके अंदर अनमैरिड वुमेन जो है उनको भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अलाउ किया गया, अप्रूव किया गया। मे बी ओपिनियन ऑफ 1 registered मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके अंदर मेंशन किया गया है, यह भी हो सकता है। ओपिनियन ऑफ द स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड इज असेंशियल फॉर अ प्रेगनेंसी टू बी टर्मिनेटेड आफ्टर 24 वीक्स इन द केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मैलिटीज। तो अगर यहां पर 24 वीक से ज्यादा का आपका टर्मिनेशन कराना है प्रेगनेंसी का, वो यहां पर स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जा सकता है, उनके ओपिनियन लेने के बाद किया जा सकता है अगर फीटल एबनॉर्मैलिटीज जो है वो काफी ज्यादा पाई जाती है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए तो यहां पे अंडर द एक्ट प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड अप टू 20 वीक्स। ध्यान रखिएगा, देखिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं जिसमें बहुत सारी चीजें आपको इन 3 स्टेटमेंट्स के अलावा भी पता चलेंगी। तो यहां पे क्या है, अभी जो एक्ट है 20 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट कराया जा सकता है बाय अ मैरिड वुमेन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइसेस। तो जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथडोलॉजीज जो है वो फेल हो जाती हैं तो मैरिड वुमेन 20 वीक्स तक टर्मिनेशन करा सकती हैं। ये जो पर्टिकुलर बिल जो है अभी आया है जो 2020 के अंदर और 2021 में भी उसको पास किया गया, ये अलाउ करता है कि इवन अनमैरिड वुमेन जो है वो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है फॉर दिस वेरी सेम रीजन। तो यस, ये जो क्लॉज है अनमैरिड वुमेन का वो रखा गया। ठीक है, इसके साथ फर्दर कंडीशन भी है, कौन सी, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स। सेकेंड बात करते हैं, देखिए ओपिनियन ऑफ 1 registered मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो यहां पर काफी रहेगा। पहले जो होता था, पहले जो 1971 का एक्ट था, देखिए कितना पुराना, 1971 की हम बात करें, आज से मतलब 45 से भी ज्यादा, बेसिकली 30-50 साल हो गए, 50 साल के आसपास, उतना पुराना हमारा एक्ट था पहले वाला। उसके ऊपर बात करी जा रही है कि देखिए तब 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर या उससे ज्यादा की हमें जरूरत पड़ती थी अगर इस तरीके से कुछ टर्मिनेशन कराना है, लेकिन अभी एज पर द न्यू एक्ट जो है वो यहां पे सिर्फ एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP इसकी जरूरत होगी और इसके बाद
जो टर्मिनेशन है वो कराया जा सकेगा। तो कंपेरेटिवली हम क्या करें, हम दो यहां पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जगह एक की ही अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, एक की ही ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। इट मींस वी आर मेकिंग दिस एंटायर प्रोसेस ईजियर, हम पूरी फैमिली के लिए और विमेन के लिए खासतौर पे पूरा प्रोसेस जो है वो ईजी बना रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। ओपिनियंस ऑफ द स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड इज असेंशियल। तो यस, यहां पे अगर 24 वीक्स जो कि एक क्रूशियल पीरियड होता है उसके बाद जो है फीटल डेवलपमेंट जो काफी हद तक हो चुका होता है और तब टर्मिनेशन के अंदर काफी सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इसी वजह से कहा गया कि अगर 24 वीक्स के बाद भी सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मैलिटीज होती हैं तो वहां पे जो आपका स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड होगा वो बताएगा कि क्या यहां पे टर्मिनेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक हो जाती है, आंसर क्या होगा आपका, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं। अगर बात करी जाए ओपिनियन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यहां पर अगर हम 20 वीक्स तक के लिए बात कर रहे हैं तो अप टू 20 वीक्स वन मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा वो अपना ओपिनियन दे सकता है और तब यहां पे टर्मिनेशन कराया जा सकता है। लेकिन 20 से 24 वीक अगर हो जाते हैं तो यहां पर दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपनी स्टेटमेंट पे वापस आते हैं तो यहां लिखा है, यहां पे कोई वीक्स तो नहीं लिखा है, जब वीक्स नहीं लिखा है तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ क्लॉजेस जो है वो यहां पर आपको इस इन्फोग्राफिक के अंदर दिख जाएंगे और इन्फोग्राफिक अपने नोट्स में जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहां पे आपको प्रेजेंट लॉ और प्रीवियस लॉ इसके बीच के डिफरेंस को बता रखा है, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूं बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए, सो प्रेजेंट लॉ जो 1971 का है और जो अभी 2021 का होगा, तो यहां पे ओनली अप्लाइज टू मैरिड वुमेन, लेकिन यहां पर अनमैरिड वुमेन जहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होता है उनको भी यहां पे हेल्प करी गई है, नहीं तो उनका काफी ज्यादा एक्सप्लोटेशन हो जाता है। जेस्टेशन एज लिमिट जो है यहां पे 20 वीक्स रखी गई थी, यहां पे 24 वीक्स रखी गई है स्पेशल केसेस के अंदर, जैसे कि रेप सर्वाइवर्स है, बियॉन्ड 24 वीक्स सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मैलिटीज है, वहां पर भी इसे कराया जा सकता है। इसमें 1 RMP की जरूरत थी, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत थी 12 वीक्स तक और 2 की अप टू 20 वीक्स, लेकिन पे इस अवधि को, इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर 20 वीक्स के लिए 1 RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी, 2 RMP की जरूरत पड़ेगी 20 से 24 वीक्स के लिए, ठीक है। और बियॉन्ड 24 वीक्स जाते हैं तो मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा। फाइन इसके अंदर 1000 का था, यहां पर इसको और भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया। देखिए काफी सारी चीजों में यहां पे रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन अगर कोई कानून को तोड़ता है, इसके बियॉन्ड जाकर अगर कोई काम करने की कोशिश करता है तो वहां पर इंप्रिजनमेंट जो है वो भी 1 ईयर का हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में भी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि कह रहा है कि दो स्टेटमेंट्स आपको दिए, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन यहां पर गलत है। देख लेते हैं किस चीज के बारे में। निकोबार मेगापोड इज द ग्लोबली एंडेंजर्ड बर्ड यूनिक टू द निकोबार। तो निकोबार मेगापोड एक ग्लोबली एंडेंजर्ड, तो यहां पर उसका स्टेटस दिया है, बर्ड है जो कि निकोबार के लिए काफी यूनिक है, अपने आप में यही पाया जाता है। इट इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड इन द ग्रुप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। निकोबार की बात करी जा रही है तो ये कह रखा है कि ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड, जो पूरा द्वीप समूह है, क्योंकि वो कोई एक आइलैंड नहीं है ना, उसमें काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड है, तो उसमें कह रखा है कि निकोबार जो है वो आपका सदर्न मोस्ट आइलैंड है। सोचे इसके बारे में, फिर मैप भी देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, अभी रिसेंटली न्यूज थी, बेसिकली मोर देन 150 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड जो है दैट इज प्रोवाइडेड फॉर फेज वन ऑफ नीति आयोग, वहां पे एक पायलटेड होलिस्टिक सस्टेनेबल विजन चला रहे हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड बनाने के लिए, ठीक है। तो वहां पे ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश करी जा रही है और यहां पर इस पूरे के पूरे सदर्न मोस्ट टिप के अंदर कोशिश करी जा रही है नीति आयोग के द्वारा कि किस तरीके से बायोडायवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट किया जाए और सस्टेनेबल एनवायरमेंट भी क्रिएट किया जाए। इसी वजह से ये रीजन जो है न्यूज में रहता है काफी, और ये खासतौर पर 150 स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड है ये काफी न्यूज में रहती है। तो यहां पर जो जिस स्पीसीज का नाम लिया गया वो करेक्ट है, निकोबार मेगापोड इज ग्लोबली एंडेंजर्ड एंड इट इज यूनिक टू निकोबार्स। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यस, इट इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड इन द ग्रुप ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, जैसे मैप के ऊपर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आपसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार देख लीजिए मैप के ऊपर कहां पर दिखाई देता है। चलिए, सो दिस इज एंटायर अंडमान निकोबार आपको दिख रहा है, ठीक है। और एगमुट कार्डर के जो IAS IPS ऑफिसर्स होंगे उनकी पोस्टिंग अंडमान निकोबार में भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे नीचे आपको ये छोटा सा जो दिख रहा है, दिस इज अ सदर्न मोस्ट टिप, लेट मी जस्ट मैग्निफाई इट, हो सकता है तब सही से दिखे आपको यहां पर। सो दिस वॉज द पोर्शन निकोबार, नहीं, बहुत छोटा सा, बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप पे है, इसको बड़ा करके यहां पर दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यस, सदर्न मोस्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज पास रिसेंटली डैमेजेस रिकवरी बिल। तो बेसिकली क्या है कि काफी सारी सरकारें, आपने देखा होगा, डैमेजेस रिकवरी बिल जो है उसको एक्ट बना रही है, उसको पास कर रही है। रीजन ये है कि किसी भी तरीके का दंगा होता है, किसी भी तरीके का कुछ चीज जो है किया जाता है, चाहे वो प्रोटेस्ट के रूप में हो, वायलेंट प्रोटेस्ट के रूप में हो, अगर लोग ऐसा करते हैं और फिर क्या होता है उस पूरे प्रोसेस के अंदर, अगर सरकार की, और वैसे कहा जाए तो सरकार की तो प्रॉपर्टी नहीं है वो, प्रॉपर्टी जो है वो तो देश की है, वो तो लोगों की प्रॉपर्टी, तभी उसे पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहा जाता। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर वो डैमेज करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर जो रिकवरी होगी पैसा उन्हीं से लिया जाएगा। इस चीज को लेकर उत्तर प्रदेश काफी न्यूज में रहता है और काफी इस चीज के ऊपर उत्तर प्रदेश की तारीफ भी करी गई है कि जब भी वहां पे दंगे हुए तो वहां पे सीसीटीवी कैमराज और दूसरे कैमराज को यूज किया गया और जो दंगाई थी, जिन्होंने यहां पे बसें चलाई थी, जिन्होंने यहां पे दुकानों को लूटा था, उनको उनको ही बेसिकली समन भेजे गए, उनसे ही पैसे को रिकवर किया गया। अब एक राज्य है जिसने इसी तरीके का डैमेजेस रिकवरी बिल जो है उसे रिसेंटली पास किया है। चार यहां पे नाम आपके सामने दिए, बताएं कौन सा राज्य है वो। देखिए उत्तर प्रदेश तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश ये पहले ही कर चुका है। अब आपको एबीसी में से बताना है, सोचे। चलिए तो उत्तर प्रदेश जो है वो तो यहां पे ट्रेंड सेटर है, तो उन्हीं के उस राज्य का जो एक स्टेप था उसको यहां पर एम्युलेट करते हुए, उससे यहां पे मोटिवेशन इंस्पिरेशन लेते हुए अब बाकी के राज्य जो है वो भी धीरे धीरे इस तरीके के एक्ट्स को पास कर रहे हैं। लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट जो था वो आया था। देखिए इसमें दो चीजें, पब्लिक प्रॉपर्टी, पहली बात तो यहां पे ध्यान रखें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होता है, गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी होती है, बसेस होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, ये हम लोगों के पैसे से ही खरीदी जाती है, और जो लोग इनको जलाते हैं, इनको वेस्ट करते हैं, इनको तबाह करने की कोशिश करते हैं, वो ये नहीं समझते कि यस ये कोई सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लोगों के टैक्सेस से ही बनाई गई प्रॉपर्टी है, तो एक तरीके से वो अपनी प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड किया गया है, क्यों? क्योंकि देखिए जब इस तरीके से दंगाई बसेस को चलाते हैं या फिर ट्रेन्स को रोकते हैं, ट्रेन्स को जलाने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरे सरकारी दफ्तरों पे अटैक करते हैं, तो वो जो आसपास की दुकानें होती है जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उनको भी अटैक करते हैं, तो उनको भी यहां पर बचाने की कोशिश करी गई है। बिल प्रोवाइड फॉर रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टीज कॉज्ड बाय पर्संस ड्यूरिंग डिस्टर्बेंसेस टू पब्लिक ऑर्डर बाय एन असेंबली, लॉफुल असेंबली हो या अनलॉफुल हो। अगर आपने पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो राइट्स के ड्यूरिंग हो या फिर वायलेंट डिसऑर्डर्स की वजह से हो, तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्स। ये जो चीज थी इसकी काफी टाइम से दरकार थी, इसकी काफी टाइम से जरूरत भी थी और इसे सरकार अब लेके आई है। इट विल ऑल्सो इंश्योर कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स। और अगर इस तरीके के दंगे होते हैं, कोई इसमें विक्टिम है, किसी को यहां पे अटैक किया गया है या फिर काफी सारे लोगों को अटैक किया गया, उनको जान माल की हानि हुई है, तो यस उनको कॉम्पनसेशन रखने का भी, कॉम्पनसेशन देने का भी प्रोविजन जो है वो रखा गया और इसे अभी लाया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। तो सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है, डैमेज रिकवरी बिल जो है अभी बेसिकली जो ये पूरा एक्ट है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वैसे तो मुझे पता मोस्ट ऑफ यू आपका आंसर क्या रहने वाला है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से इसको आंसर करते हैं, क्योंकि मैं आपसे वाई जानना चाहता हूं, क्यों होना चाहिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपको बताया एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप उसके अलावा भी कुछ नए पॉइंट्स मुझे यहां पर बताएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर बात करता है हीलियम के बारे में, पूछा गया हीलियम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहां पर ठीक है। इट इज अ कलरलेस गैस, हो सकता है इट इज ऑर्डरलेस, इट इज टेस्टलेस। तीन यहां पे कैरेक्टरिस्टिक दिए, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो हो सकता है कलरलेस हो सकता है ना भी हो सकता है ऑर्डरलेस हो सकता है ना भी हो सकता है टेस्टलेस हो सकता है ना भी हो। आपको इसका आंसर करना है, फिर मैं आपको पूरी न्यूज भी बताऊंगा और हीलियम इंडिया में कहां पे इसके जो रिजर्व्स हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए देखिए इंडिया जो है हीलियम को इंपोर्ट करता है, काफी सारे एरियाज है जिसको हम डिस्कस करेंगे वहां पर इसका इस्तेमाल होता है, चाहे आप रॉकेट्स के अंदर बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है, इवन जो आपके मेडिकल साइंस है वहां पर भी, जो एमआरआई टेक्निक आपने सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई स्कैन के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया जो है लार्जली हीलियम को इंपोर्ट करता है और अभी यूएस से भी इंपोर्ट किया जाता है। यूएस ने हीलियम को एक्सपोर्ट करने पे कट ऑफ लगाया गया, ठीक है, इससे होगा क्या, इससे इंडिया को होगा नुकसान और हमारी इंडस्ट्री को नुकसान होगा, क्योंकि रॉकेट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, एमआरआई स्कैन्स के अंदर जो हम हीलियम इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और डेफिनेटली फिर इससे, क्योंकि क्वांटिटी कम होगी तो एमआरआई स्कैन्स, रॉकेट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये जो हमें एस्टैब्लिश करना है इसकी कीमत जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें राजमहल हिल की, तो राजमहल वोल्केनो बेसिन है झारखंड के अंदर, ये एक स्टोर हाउस माना जाता है हीलियम का, राज महल वोल्केनिक बेसिक, ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि हीलियम यहां पे पिछले बिलियंस ऑफ ईयर से,
सी मिलियन नहीं कह रहा मैं, बिलियन कह रहा हूं, बिलियंस ऑफ ईयर से हीलियम जो है यहां पे ट्रैप होके रखी हुई है। एट प्रेजेंट इंडिया इज मैपिंग द राजमहल बेसिन एक्सटेंसिवली ताकि फ्यूचर में यहां से एक्सप्लोरेशन भी किया जा सके और साथ ही साथ हीलियम को हार्नेस भी किया जा सके ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है बाकी कंट्रीज के ऊपर वो कुछ हद तक कम हो सके। तो यहां पर अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हीलियम की, यस इट इज अ कलरलेस गैस, यस इट इज एन ऑर्डरलेस गैस, यस इट इज अ टेस्टलेस गैस, तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एप्लीकेशन हीलियम की मैंने आपको बता दी है और साथ ही साथ इसकी जो न्यूज थी वो भी मैंने आपको बता दिया, लोकेशन राजमहल वोल्केनिक बेसिन झारखंड के अंदर वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहां पे आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा, देख लेते हैं इसके बारे में। यहां पर आपको बेसिकली वेरियस पेयर दिए गए और आपको बताना है कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच कर रहा है। तो एक साइड पे तो आपको कुछ टर्म्स दे रखी है और राइट साइड में उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। तो यहां पे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आप मान सकते हैं या फिर पेयर्स मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट कहती है या पहला पेयर कहता है, जापी जो है ये एक हैट होती है जिसे कि बैम्बू से बनाया जाता है, हो सकता है। जोराई जो है वो एक क्लॉथ होता है जो कि बॉडी को वाइप करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि टाल हम यूज करते हैं। फिर गमोसा क्या होता है, गमोसा इज ए ट्रे विद बॉटम स्टैंड, एक ट्रे होती है जिसका बेसिकली एक स्टैंड की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए आप जानते हैं आसाम के अंदर जो पोल्स हैं वो होने वाले, इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, और इसी वजह से ये जो आसाम की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो न्यूज में बार बार अपीयर हो रही हैं और आपके एग्जाम में भी ये कल्चरल एस्पेक्ट से पूछी जाती हैं और जा सकती हैं। साथ ही साथ गमोसा के बारे में अगर आपको याद हो, आई रिमेम्बर पिछले साल मैंने आपको 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन कराया था, गमोसा क्यों न्यूज में था वो आप मुझे बताएंगे। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करीजिए जापी की, क्या ये हैट है जिसे बैम्बू से बनाया जाता है, तो ये पहला पेयर आपका जो है वो करेक्ट हो जाता है। सेकंड पेयर जोराई क्या होता है, देखिए जोराई इज ए ट्री जिसका बॉटम स्टैंड होता है, अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाने वाला हूं। गमोसा एक क्लोथ होता है जिससे कि बॉडी को वाइप किया जाता है, एक टॉवल की तरह इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड जो वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। गमोसा मैंने आपको दिखाया, काफी न्यूज में भी था और पिछले साल भी हमने इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए थे। यहां पे मैं आपको जापी जो है वो दिखा देता हूं और यहां पे मैं आपको बेसिकली जोराई दिखा देता हूं, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहां पे पोलिंग की वजह से ये न्यूज में थे और तीनों चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये क्या है, और इसी वजह से आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखिए एक बार जोराई क्या है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये बेसिकली बेल मेटल का बना होता है और एसेंशियली एक ट्रे होती है और इसके नीचे एक स्टैंड होता है, इसके ऊपर कवर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है वो पर्सन टू पर्सन, उनकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एवरी एसएमईज हाउस होल्ड के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो हर असम के घर में आपको मिल जाएगा। तो गमोसा, जोराई एंड जापी जो है दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम, इलेक्शन की वजह से भी और वैसे भी ये चीजें न्यूज में काफी ज्यादा आ रही हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। उससे पहले क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप जानते हैं कि टाइम अभी काफी कम रह गया है और इसी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप कवर करना चाहते हैं सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। तो यहां पे आपको 2 घंटे, देखिए 2 घंटे आपको डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं कम से कम वो इतना टाइम तो आपका डिजर्व करते हैं। तो 2 घंटे में आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कर भी लेंगे इस सीरीज के अंदर, उसे रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। और डेली बेसिस पे अगर आप ये 2 घंटे देते हैं देन बिफोर द एग्जाम आपके काफी सारे जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, चाहे वो इकोनॉमी से हो, इकोलॉजी से हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटी से हो, स्पेक्ट्रम से हो, हिस्ट्री से हो, आपका करंट अफेयर्स हो, वो सभी यहां पे कवर हो जाएंगे। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट 35 to 40 एमसीक्यूज जो कि आपको इस कोर्स में से, जो हम 100 डेज का कोर्स कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू अगर आपने ऑलरेडी तैयारी कर ली है तो उस तैयारी को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि आपके और भी ज्यादा एमसीक्यूज आप क्रैक कर पाए, वहां पर सोल्व कर पाए, एलिमिनेट कर पाए कुछ स्टेटमेंट्स को, वो आप कर पाएंगे इस कोर्स के थ्रू। और अगर आपने तैयारी नहीं करी है अच्छे से देन यू कैन ऑल्सो रिलाई अपॉन दिस कोर्स। और अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम, क्योंकि हो सकता है आप में से काफी सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो और हाउस वाइफ हो तो ज्यादा टाइम ना दे पा रहे हो, वो टाइम पीरियड को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि आखिरी के जो दिन है उसमें आप कम से कम टाइम के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े और अननेसेसरी स्टफ जो है, जिसे हम नॉइजेस कहते हैं, जिसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, वो चीजें ना पढ़े ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए 2022 या 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, इवन देन मिशन यूपीएससी 2022 एंड मिशन यूपीएससी 2023 ये कोर्सेज जो है ये भी आपको exam.netmock.com पे मिल जाएंगे। दीज कोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल जो कि अभी
कॉलेज में है या फिर कॉलेज के सेकंड सेकंड ईयर थर्ड ईयर या फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर के अंदर है, आप तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब तक यूपीएससी का एग्जाम आए या फिर जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तब तक आपकी तैयारी हो चुकी हो, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दीज कोर्सेज बिकॉज दे विल प्रिपेयर यू फॉर द अपकमिंग एग्जाम थ्रू आउट योर कॉलेज जर्नी। कॉलेज जर्नी में ही आपको इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी कि जब तक एग्जाम आपके सामने आएगा उसे क्रैक करना आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सिक्स बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। इसको आप आजकल काफी न्यूज में देख रहे होंगे। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऊपर दो स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। 4 to 6% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस ऑफ न्यू व्हीकल टू बी गिवन बाय अ स्क्रैपिंग सेंटर। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये कह रखा है कि एक्स शोरूम प्राइस जो होता है नया व्हीकल जो आप परचेज करने जा रहे हैं उसका 4 to 6% जो होता है वो आपको स्क्रैपिंग सेंटर के द्वारा दिया जाएगा अगर आप अपने व्हीकल को दे देते हैं स्क्रैप करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फीस जो है उसको भी वेव ऑफ कर दिया जाएगा अगर आप न्यू व्हीकल को परचेज करते हैं, अगर आप स्क्रैपिंग पॉलिसी को यूज करते हैं। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए देखिए गवर्नमेंट जो है वो काफी कोशिश कर रही है कि पुराने व्हीकल्स जो हैं जो कि ज्यादा डेंजरस हैं एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपका ऑयल कंजम्पशन भी ज्यादा होता है, पेट्रोल कंजम्पशन भी ज्यादा होता है, पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, तो हर तरीके से जो आपके ओल्ड व्हीकल्स हैं वो हमारे लिए सेफ नहीं है, एनवायरमेंट के लिए भी सेफ नहीं है, ह्यूमन बींग्स के कंजम्पशन यूसेज के लिए भी सेफ नहीं है, तो इसी वजह से उसे ऑफ रोड करने के लिए यह पॉलिसी को लाया गया है। लेकिन देखिए ऑफ रोड तभी होगी जब यहां पर कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा लोगों को। तो यस लोगों को यहां पर बेनिफिट देने के लिए कहा है कि देखिए रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपकी वेव ऑफ कर देंगे, तो यहां पर भी कुछ हजार रुपए आपके बच जाएंगे और आपका जो अगर आप स्क्रैपिंग के लिए देते हैं तो जो नया व्हीकल परचेज करेंगे उसका एक्स शोरूम प्राइस जो होगा उसका 4 to 6% जो है हम आपका है वो आपको स्क्रैपिंग सेंटर दे देगा। तो इस तरीके से जो बेनिफिट दिए जाएंगे तो डेफिनेटली लोग जो है कोशिश करेंगे आगे बढ़ के आएंगे अपने पुराने व्हीकल को देंगे ताकि ये कुछ पैसा उनको रियलाइज हो सके और पुराना व्हीकल जो है उसको स्क्रैप किया जा सके और जो इस तरीके के व्हीकल्स हैं उनको ऑफ रोड किया जा सके। तो यहां पे अगर बात करी जाए दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी ठीक हो जाती है, आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी आर करेक्ट आंसर। लेकिन यस कुछ और चीजें जो है वो भी इसके बारे में जाननी जरूरी है क्योंकि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स मींस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए। तो कुछ क्लॉजेस जो है वो मैं आपको इसके दिखा देता हूं जो आपके लिए पढ़ना काफी जरूरी है, ठीक है। तो हाउ द प्रोसेस विल अनफोल्ड ये सारी चीजें आप मेंस के अंदर भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर स्टेटमेंट प्रीलिम्स के अंदर भी बन के आ सकती है। व्हीकल जो 20 साल पुराने हैं वो अनफिट पाए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसका रिन्यू नहीं किया जाएगा, तो उन व्हीकल जो काफी पुराने हैं और फिट नहीं है रोड पे आने के लिए उनको यहां पर रिन्यू नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ओनर्स जो रजिस्टर्ड ओनर्स हैं टू हैंड ओवर सच व्हीकल्स टू रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, और जब वो फैसिलिटी को दे देंगे कि इस व्हीकल को स्क्रैप कर दो ये पुराना है और फिट नहीं है, तो उनको यहां पर एक जो सर्टिफिकेट होता है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जब भी वो न्यू व्हीकल खरीदते हैं उनको यहां पर हेल्प मिल सके। स्क्रैपर टू वेरीफाई रिकॉर्ड्स ऑफ द व्हीकल फ्रॉम डेटाबेस ऑफ द स्टोलन व्हीकल एंड इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैंडेटरी फॉर द ओनर टू अवेल इंसेंटिव। तो यहां पर एक जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो उनको दे दिया जाएगा, सीडी दे दिया जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया, जिसके अंतर्गत उनको फायदा मिल सकेगा। द सर्टिफिकेट वंस यूज विल बी स्टैम्प्ड कैंसल्ड। तो एक बार जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू हुआ, एक बार यूज करेंगे उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगा। गवर्नमेंट विल मेंटेन ए डेटाबेस ऑफ द व्हीकल्स जो कि हर साल स्क्रैप हो रहे हैं ताकि आगे चल के लोकसभा राज्यसभा में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आपकी स्क्रैपिंग पॉलिसी कैसे काम कर रही है, तो कम से कम डेटा जो है वो यहां पर लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट को देने के लिए हो कि देखिए हर साल में हम इतने व्हीकल को स्क्रैप कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट जो है स्क्रैप वैल्यू का 4 to 6% वाला मैं आपको बता चुका हूं। टैक्स रिबेट की बात करें, स्टेट्स में भी एडवाइज टू ऑफर ए रोड टैक्स रिबेट ऑफ अप टू 25% फॉर पर्सनल व्हीकल्स एंड अप टू 15% फॉर कमर्शियल व्हीकल अगेंस्ट दिस। तो यहां पे देखिए कोशिश करी जा रही है स्टेट्स जो है उनको एडवाइस किया जा रहा है स्टेट्स कि यस आगे चल के हो सकता है अगर आप टैक्स रिबेट देना शुरू कर दें तो लोग और भी आगे बढ़ के आए और इस तरीके से जो स्क्रैपिंग पॉलिसी उसको यूज करें, ठीक है। न्यू व्हीकल पर डिस्काउंट मिलेगा ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फी वेवर रजिस्ट्रेशन का ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर बात करी जाए क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है डेफिनेटली जो आपका पॉल्यूशन है उसको कम करने में हेल्प करेगी। पुराने व्हीकल्स जो है अभी नए वाले तो बीएस जो आपका भारत स्टैंडर्ड उसके हिसाब से बनाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपका पोल्यूशन होता है एमिशन होता है वो काफी कम होता है, लेकिन पुराने व्हीकल के साथ ये नहीं था। 15-20 साल पुराने जो व्हीकल्स थे उनका पोल्यूशन का जो उनका बेसिकली जो एमिशन होता है पोल्यूशन लेवल जो वो क्रिएट करते हैं वो काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से ये पॉलिसी काफी हेल्प करने वाली है। आप मुझे 2-3 पॉलिसीज और नाम बताइएगा जहां पर हम कह सकते हैं कि व्हीकुलर पोल्यूशन को कम करने के लिए इनिशिएटिव लिए गए। जैसे मैं आपको बताऊं कि फेम इंडिया करके जो स्कीम है फेम, ये भी पोल्यूशन को कम करने के लिए, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन जो है ये भी पोल्यूशन को कम करने के लिए, ऐसे 2-3 पॉलिसी के नाम जरूर बताइएगा। मैं आपको चाहूं तो अभी 2-3 पॉलिसी के नाम और भी बता सकता हूं बट मैं चाहता हूं कि आप खुद उसे रिकॉल करें या फिर गूगल करें और फिर उसे टाइप करें ताकि एग्जाम में आपको याद रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो अनंग पाल जी के बारे में है. अनंग पाल बिलोंग टू विच डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे. रिसेंटली ये न्यूज में थे, गवर्नमेंट ने रिसेंटली कमेटी फॉर्म करी है टू पॉपुलराइज द लेगेसी ऑफ 11th सेंचुरी अनंग पाल द सेकेंड इस किंग को लेकर. और मैंने आपको बताया है कि जो हमारी प्रेजेंट सरकार है वो काफी सारी डायनेस्टीज को, काफी सारे किंग्स को, जिनको हिस्ट्री की बुक्स में जगह नहीं मिली, लेकिन वो अपने टाइम के बेस्ट ऑफ द बेस्ट रूलर्स रहे, जिन्होंने काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया हमारी सोसाइटी को आगे लेके जाने के लिए, और काफी एबल रूलर्स रहे, उनकी लीडरशिप जो कि वो अनपैरेलल्ड थी, उनको यहाँ पे लाइमलाइट में लाने की कोशिश करी जा रही है, हाईलाइट करने की कोशिश करी जा रही है. उसी तरीके से अनंग पाल द सेकेंड जो थे वो एक काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे. क्या वो तोमर डायनेस्टी के थे, पाला के थे, मौर्यन थे या गुप्ता थे, आपको बताना है आंसर, फिर मैं आपको और भी न्यूज इसके बारे में दूंगा. चलिए देखिए, वो तोमर डायनेस्टी के थे, ठीक है, तो आंसर तो आपका ए हो जाएगा. और मैंने आपको ये चीज बताई है कि देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, इवन मेंस के अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें पुरानी पर्सनैलिटीज, ठीक है, जिनको अभी तक लाइमलाइट में नहीं रखा गया था, जैसे कि तोमर डायनेस्टी से अनंग पाल जी आते हैं, तो ये काफी एबल रूलर्स थे, उनको यहां पर कोशिश करी जा रही है हाईलाइट करने की, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री की बुक्स के अंदर उनको जगह नहीं मिली और हमारी हिस्ट्री के अंदर भी उनको भुला दिया गया. और अगर आज उनको नहीं दोबारा से बुक्स के अंदर लाया जाता या फिर आज उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो अपकमिंग जनरेशन होगी वो इनके बारे में कभी जान ही नहीं पाएगी. अनंग पाल द सेकंड जो थे, ही हैज बीन क्रेडिटेड टू हैव एस्टैब्लिश्ड एंड पॉपुलेटेड दिल्ली. तो दिल्ली को एस्टैब्लिश करना, दिल्ली को पॉपुलेट करना, इसका पूरा क्रेडिट जो है वो वैसे तोमर्स को जाता है और अनंग पाल टू द सेकंड को खास तौर पर दिया जाता है. 11वीं सेंचुरी के अंदर उन्होंने ऐसा किया था. अनंग पाल टू वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलेटिंग इंद्रप्रस्थ एंड गिविंग इट इज अ प्रेजेंट नेम दिल्ली. तो पहले इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और अभी जो प्रेजेंट नेम है वो दिल्ली है, वो भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था. इट वॉज ही हु बिल्ट लाल कोट फोर्ट एंड अनंगताल बावली. तो लाल कोट फोर्ट जो है और अनंगताल बावली जो है वो भी बनाने में क्रेडिट जो है वो अनंग पाल जी को दिया जाता है. तो ध्यान रखिएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द अपकमिंग एग्जाम. मुझे लगता है दो तीन क्वेश्चन तो डेफिनेटली पर्सनालिटीज पे आने वाले, तो आप बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा. वैसे मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ता नहीं हूं जो भी पीआईबी में पर्सनैलिटी को लेकर आता है, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस वहां से काफी ज्यादा हो जाते हैं. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर. क्वेश्चन नंबर एट जो है चंबल के बारे में है. ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल को लेकर पूछा कि ये पांच नाम आपके सामने दिए हैं, बताइए. इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन कौन सी चंबल की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है. क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान जो है उन्होंने डिमांड किया है नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस फॉर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ERCP जो है, इसके लिए नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस जो है उसको डिमांड किया गया राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है. यहां पे ERCP हेल्प क्या करता है, मीनवाइल देखिए आप चाहें तो आंसर सोच सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन को सुनते रहिएगा. इट एम्स टू हार्वेस्ट सरप्लस वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग रेनी सीजन इन रिवर्स इन द सदर्न राजस्थान, जैसे कि चंबल है और इसकी ट्रिब्यूटरीज. तो यहां पर क्या है, बेसिकली कोशिश करी जा रही है कि सरप्लस वाटर जो होता है, ठीक है, खासतौर पर जो आपके सदर्न राजस्थान में चंबल रिवर और दूसरी इसकी मिलती जुलती रिवर है, वहां पर सरप्लस वाटर को इकट्ठा किया जा सके, हार्वेस्ट किया जा सके, ताकि जब भी उसकी जरूरत हो उसका इस्तेमाल किया जा सके. खासतौर पर आप जानते हैं राजस्थान के अंदर तो वैसे ही परेशानी रहती है इस चीज को लेकर, पानी को लेकर. तो यहां पे चंबल जो थी वो नदी न्यूज में थी और इसी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया. क्या कूनू इसकी ट्रिब्यूटरी है, पार्वती, काली सिंध, सिप्रा या शिप्रा कहते हैं, बानस, बताएं क्या आंसर हो सकता है. चलिए देखिए, यहां पे कूनू हो, पार्वती हो, काली सिंध हो, शिप्रा हो या फिर बनास हो या बानस, ठीक है, ये सारी के सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज और चंबल है. आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर. चलिए एक बार मैप के ऊपर भी देख लीजिए किस तरीके से दिखती है, क्योंकि मैप रिलेटेड क्वेश्चन है. यहां पे एक बार मैं आपको बड़ा करके थोड़ा सा इसे मैग्नीफाई करके दिखा देता हूं. सो दिस इज चंबल, आप देख रहे हैं यहां पे, राइट, ये चंबल, ये आपका, यस, ऊपर देखेंगे अगर आप, ये आपका भिंड ग्वालियर वाला रीजन है, देख रहे हैं आप, ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है बेसिकली. नीचे आएंगे ये कोटा आ गया, राजस्थान वाला रीजन आ गया, ये चित्तौड़गढ़ आपको दिख रहा है, नीमच है, नीचे मंडसौर है. सो दिस इज चंबल, राइट, ये इंदौर, फिर से ये मध्य प्रदेश आ गया, भोपाल मध्य प्रदेश वाला रीजन है. ये काली सिंध इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, फिर ये पार्वती भी इसकी ट्रिब्यूटरी है. और ऊपर जाएंगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि ये फाइनली कहां पे जाके मिल रही है, ठीक है. चलिए ऊपर आपको गंगा भी दिख रही है, यमुना भी दिख रही है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन बनाई जो कि चंबल को लेके. मैंने आपको थोड़ा सा मैप में कुछ चीजें नहीं बताई, उसका रीजन यही था क्योंकि ये क्वेश्चन मैं चाहता था कि आप वो नॉलेज जो है उसको यूज करते हुए, लेट्स सी कि आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, उस ऑब्जर्वेंस को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करें.
पहली स्टेप में कहते हैं इट ओरिजिनेट्स एट द सिंगार चौरी पीक इन द नॉर्दर्न स्लॉप्स ऑफ विंध्या माउंटेन्स। तो चंबल कहां से ओरिजिनेट होती है ये यहां पर बताया गया है, हो सकता है इट जॉइंस गंगा इन यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर चंबल जो है गंगा में जाकर मिल जाती है। गांधी सागर डैम जो है वो इसके ऊपर बनाया गया है। आपको चंबल को लेकर तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, सोचिए। चलिए देखिए, काफी सारे डैम जो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके ऊपर बनाए गए हैं, जिसमें से गांधी सागर डैम भी एक डैम उसमें शामिल है। जवाहर सागर डैम हो वो भी इसमें शामिल है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, चंबल के ऊपर गांधी जी के नाम से भी एक डैम है और जवाहरलाल नेहरू के नाम से जवाहर सागर डैम भी इसके ऊपर एक बहन है। देन कोटा बैरेज भी है इसके ऊपर और राणा प्रताप सागर डैम भी इसके ऊपर बनाया गया है। तीसरी स्टेप में आपकी ठीक हो जाती है। पहली स्टेप की बात करें तो यस, ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो इसका विंध्या माउंटेन से नॉर्दर्न स्लोप से निकलती है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो भी आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, पीछे मैंने आपको जान के ये चीज नहीं बताई थी कि ये कहां पे मिलती है, एक बार देख लीजिए दोबारा से, मैं एक बार थोड़ा सा मैग्नीफाई दोबारा कर देता हूं इसे, जस्ट अ सेकेंड। या सो दिस इज चंबल। चंबल कहां पे जाके मिल रही है, देखिए यमुना में जाके मिल रही है, राइट। गंगा तो ऊपर है, तो यहां पर आपके जो ऑप्शन में दिया है वो दिया है कि ये गंगा में जाके मिलती है, और तभी वो क्वेश्चन जो है वो आपका जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कहां जाके मिलती है, ये जाके मिलती है यमुना के अंदर, ना कि गंगा के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर। लेट मी कम बैक टू द स्टेटमेंट्स। यस, सो इट जॉइंस गंगा इन यूपी, नहीं, इट जॉइंस यमुना इन यूपी। तो आंसर क्या होगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जो डैम्स के नाम मैंने आपको बताया, गांधी, जवाहर, राणा प्रताप सागर डैम एंड कोटा बैरेज, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि चारों नाम एबीसीडी करके दिए जा सकते हैं कि बताएं इसमें से कौन कौन से ऐसे डैम्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चंबल के ऊपर बनाए गए हैं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहां पे रिवर्स चंबल में आपको दिखा चुका हूं, और चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन एनपीपीए को लेकर है, पूछा गया एनपीपीए कम्स अंडर, एनपीपीए किसके अंदर आता है, बेसिकली मिनिस्ट्री का नाम पूछा है। एनपीपीए न्यूज में क्यों था वो भी बताऊंगा। क्या ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, बताएं एनपीपीए क्या है, किसके अंदर आता है, ये आपको बताना है। मैं इसका थोड़ा बेसिक आइडिया आपको दे देता हूं, आपको समझ में आएगा। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, एनपीपीए, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो दो चीजें हैं, फार्मा एंड प्राइसिंग, ठीक है। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी क्या करती है, जो आपकी फार्मा, जो आपकी मेडिसिन होते हैं उसकी प्राइसिंग को लेकर डिसीजन देती है, राइट। तो यहां पे क्योंकि फार्मा की बात हो रही है तो हेल्थ भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, प्राइसिंग की बात हो रही है तो कॉमर्स भी हो सकता है और फाइनेंस भी हो सकता है, क्योंकि वेटिंग का काम तो फाइनेंस का रहता है ना। तो सोचिए इसके बारे में, मैं आपको न्यूज बता देता हूं मीनवाइल, और फिर इसको डिस्कस करेंगे। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए जो है उसने फिक्स किए 81 मेडिसिन के प्राइसेस, ठीक है। इसमें ऑफ पेटेंट ड्रग्स थी, एंटी डायबिटिक ड्रग्स थी, और यहां पे बेसिकली जब भी एनपीपीए इंटरवीन करती है और 81 मेडिसिन या कितने भी मेडिसिन के प्राइस को फिक्स करती है, तो फायदा जो होता है वो पेशेंट्स का ही होता है, क्योंकि प्राइस कम से कम रखा जाता है, और इससे जो आपके पेटेंट एक्सपायरी वाले जो आपकी मेडिसिन होती है उनको भी यहां पर लोगों तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। एनपीपीए एक गवर्नमेंट की रेगुलेटरी एजेंसीज है, जो कि प्राइजेस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इन इंडिया के जो प्राइजेस होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल जो आपकी ड्रग्स होती हैं, उनको उनकी जो कीमत होती है वो कैसे हमारे देश के अंदर निर्धारित करी जाए, इसके ऊपर अपने डिसीजन देती है। इसे 1997 में बनाया गया था, इट वॉज एन अटैच्ड ऑफिस एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर, उसी का नाम मैंने आपसे जानने की कोशिश करी है, और आंसर यहां पे इट इज एन अटैच्ड ऑफिस विद डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। हेंस योर आंसर विल बी व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए तो यहां पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, राइट, और अभी हम कोशिश करेंगे 2 मिनट के अंदर पूरे के पूरे लेक्चर को रिवाइज करने की। और मैंने आपको बताया है कि रिवीजन जो हमारी रहती है वो एक्टिव रिवीजन रहती है, जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। सो द मोमेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका तो आंसर करना ही करना है, साथ ही साथ जितनी भी चीजें आपको याद है उस टॉपिक के बारे में वो रिकॉल करके कमेंट सेक्शन, लाइव कमेंट्स देख रहे हैं तो लाइव कमेंट्स में, अदरवाइज बाद में कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि जितनी चीजें आप रिकॉल करते हैं उतना ही ज्यादा आप याद रख पाते हैं। अगर ए और बी दो स्टूडेंट है, ए एग्जाम को क्रैक करता है, बी एग्जाम को क्रैक नहीं करता है, क्योंकि ए ने रिविजन ज्यादा करी है। रिविजन का क्या मतलब होता है, उसने रिकॉलिंग ज्यादा करी है, जितनी ज्यादा रिकॉलिंग करी है इसी वजह से उतनी ज्यादा चीजें एग्जाम में उसको याद रही, और जब बी, ए और बी दो ऑप्शन के बीच में फंस गया और वो एक जगह बी को मार्क करके, जो कि गलत आंसर था, इस तरीके से उसने अपने 8-10 क्वेश्चन गलत कर दिए, लेकिन ए जो था
वो कभी भी ए और बी कभी भी 50-50 में नहीं फंसा। रीजन इज हो सकता है एक दो क्वेश्चन में फंसा हो, बट लार्जली वो 10 से 12 क्वेश्चन में नहीं फंसा, क्योंकि उसने इतनी बार चीजों को रिकॉल किया था, इतनी बार चीजों को रिवाइज किया था कि उसको श्योर था वो कि यस आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, क्योंकि बी को एलिमिनेट करने में वो सक्सेसफुल रहा था। तभी मैं कह रहा हूं रिकॉलिंग इज द की, बिलीव मी रिकॉलिंग इज द की। जितनी चीजें रिकॉल कर सकते हैं, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो करिए, और वैसे भी अभी तो टाइम भी कम रह गया आपके एग्जाम को, तो रिकॉलिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए शुरुआत हमने करी थी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कहां पर इस बिल को अभी पास किया गया है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको बताता हूं मीनवाइल कि यहां पे अनमेरिड वीमेन जो है वो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है तो। ओपिनियन जो है वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का यहां पे काफी रहेगा, अप टू कितने वीक्स तक के लिए, अप टू 20 वीक्स तक के लिए, और 20-24 के लिए कितना रहेगा बताएं। यस टू विल बी सफिशियंट, और बियॉन्ड 24 वीक्स क्या होगा, बियॉन्ड 24 वीक्स जो है वो मेडिकल बोर्ड बैठेगा। और अभी रिसेंटली कहां पास किया गया, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो पास किया गया है आपका राज्यसभा के अंदर, क्योंकि लोकसभा में आई रिमेंबर लास्ट ईयर ही हो गया था और तब भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ये पूरा जो चार्ट है आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था निकोबार को लेके, मेगापोड यहां पे पाए जाते हैं बिल्कुल ठीक है, और अंडमान निकोबार के अंदर सदर्न लोकेशन में फॉल करते हैं, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन हुआ था डैमेजेस रिकवरी बिल, जिसमें मैंने आपसे पूछा कि आपके क्या विचार है इस बिल के ऊपर, आपको लगता है होने चाहिए नहीं होना चाहिए बिल, या फिर इस तरीके के एक्ट्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हरियाणा ने अभी रिसेंटली पास किया है। देन देखिए जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया ना, ये आपको हरियाणा टाइप कर देना चाहिए था ताकि मेरे पूछने से पहले ही आप उस चीज का आंसर दे दें। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन मेरे सामने आया और आपके सामने आया, तो आपको यहां पे हीलियम को लेकर जितनी चीजें याद है वो लिख दीजिए, जैसे कि लिख दीजिए कलरलेस, उसे आप एंटर कर दीजिए, उसे एक कमेंट के तौर पे डाल दीजिए, फिर ऑर्डरलेस लिख दीजिए, टेस्टलेस लिख दीजिए, इससे आपको ये चीज याद रहेंगी। साथ ही साथ ये भी लिख दीजिएगा कि इंडिया में कहां पाया जाता है, तो उसके लिए राजमहल वोल्केनिक बेसिन लिख दीजिएगा, फिर झारखंड लिख दीजिएगा, साथ ही साथ फिर लिख दीजिएगा कि यूएसए जो है वो कट ऑफ कर रहा है, ताकि ये चीजें पूरी आपके जहन के अंदर रजिस्टर हो जाए। तो यस इट इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस, और साथ ही साथ यूएस जो है वो कट ऑफ कर रहा है, और हमारे यहाँ पे राजमहल वोल्केनिक बेसिन झारखंड के अंदर ये पाई जाती है। इस्तेमाल के लिए भी लिख देते अगर आप तो और भी अच्छा रहता है, जैसे कि एमआरआई स्कैन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रॉकेट्स के अंदर किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है, ताकि ये चीजें आपको याद रहे एग्जाम में। फिर हमने डिस्कशन किया था जापी के बारे में, जोराई के बारे में, गमोसा के बारे में, तो जल्दी से बताएं क्या क्या था ये। यस तो हमने देखा था जो आपका गमोसा था ये एक क्लोथ था ठीक है, और आपका जोराई जो था वो मैंने आपको बॉटम स्टैंड वाला दिखाया था, हर आसमिस घर के अंदर ये पाया जाता है। जापी के बारे में देखा था इट वॉज अ हैट जो कि बैम्बू की बनी होती है। देन अगर आप क्रैक यूपीसी एग्जाम और 200 डेज की जो सीरीज है इसको आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप exam.netmoc.com पे जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखा था, देख लेते हैं स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में। मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो ग्राफिक था इन्फोग्राफिक वो दिखाया था, कितने परसेंट का यहाँ पे छूट दी जा रही है, रजिस्ट्रेशन फीस को वेव किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, यस और नो वो बताइएगा मुझे, और ये बताइएगा कौन कौन से इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो कि व्हीकल और पॉल्यूशन को कम करने के लिए लिए जा रहे हैं। देन हमने अनंगपाल टू और अनंगपाल जी के बारे में बेसिकली यहाँ पे देखा था, कहां से आते थे, तोमर डायनेस्टी से आते थे, और दिल्ली को बनाने में उनका विशेष योगदान जो था वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था चंबल के बारे में, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, चाहे एक ही ट्रिब्यूटरी का नाम बताएं लेकिन चंबल की जितनी भी ट्रिब्यूटरी आप रिकॉल कर पा रहे हैं उसका नाम जरूर बताइएगा। मैंने आपको ERCP के बारे में बताया था और यहाँ पे इसकी लोकेशन जो थी वो भी बताई थी, चंबल इवेंचुअली कहां जाके मिलते ये भी बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि निकलती कहां से, विंध्या माउंटेन, नॉर्दर्न स्लोप, सिंगार चौरी पीक से निकलती है, गंगा सागर डैम से लेके जवाहर डैम, कोटा बैरेज, राणा प्रताप सागर डैम, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। इट जॉइंस गंगा नहीं, इट जॉइंस यमुना इन यूपी। चलिए और यहां पे एनपीपीए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है जल्दी से बताएं, प्राइस रेगुलेशन का काम इसको जो है वो दिया गया है, और साथ ही साथ 1997 में इसे डीओपी दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के साथ अटैच ऑफिस के तौर पे बनाया गया था। रिसेंटली 81 मेडिसिन के जो प्राइजेस थे उसको यहां पर रेगुलेट किया गया। चलिए तो यहाँ पे रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन जो है हम देखने वाले हैं, और उसके बाद आप उन आंसर्स को जो ग्रुप्स है उसके अंदर सबमिट जरूर करिएगा। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये है कि चंबल नदी कहां से निकलती है। नाउ आप चाहे तो सिर्फ लोकेशन बताइए, स्टेट का नाम बताएं, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं, माउंटेन का नाम बताएं, चाहे तो पूरा बता सकते हैं ठीक है। तो जितना ज्यादा बताएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज इसको लेकर एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको करना है।
तो देखिए एनपीपीए के बारे में हमने जाना है, तो मैं जानता हूं कि इसके ऊपर मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर जो आपकी प्राइसिंग अथॉरिटी है, इसका रोल वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए क्या है, ये आप दो चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मेंस के अंदर भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। जो चीज एग्जिस्टिंग होती है, जो एग्जाम से पहले आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन उसको आप कैसे किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्ट करते हैं, क्या आपके अंदर ये एबिलिटी है कि नहीं है, क्या आप उस तरीके से सोच सकते हैं नहीं सोच सकते, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार ये तो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एनपीपीए को वेलफेयर ऑफ द पीपल के साथ जोड़ के देखा जाएगा, लेकिन अगर आप देखें काफी कॉमन सेंसिकल पॉइंट है, आप इसको 150 वर्ड्स में आंसर करने की कोशिश करें। देन इंटरव्यू का सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन जितना सिंपल क्वेश्चन होता है उसका आंसर देना कई बार उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका एक आंसर नहीं हो सकता, इसके हजारों आंसर हो सकते हैं। और इसी वजह से कहा है कि आपके अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से नेशनलिज्म क्या है ये आपको बताना है, ठीक है? तो इसका आप आंसर कर सकते हैं, मैं आपको दोनों ग्रुप्स के नाम बता देता हूं। सेकंड चैनल जो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पे जो एनसीईआरटी के वीडियोज हैं वो कुछ अपलोड भी किए गए हैं, और डेली बेसिस पे जो आपके वीडियोज हैं उसे प्लान भी किया जा रहा है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ दीज आर द टू चैनल जहां पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर दीजिएगा, और जो हमारे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो उसको डाल सकते हैं, सो दैट आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। अदरवाइज आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा यूट्यूब के अंदर, जल्दी से अपने मार्क्स को लिखें, कितना आपने टारगेट सेट किया था और कितना आपने यहां पर अचीव किया, सो दैट वी कुड एक्चुअली सी कि यस क्या हम अपने टारगेट के धीरे धीरे पास पहुंच रहे हैं या नहीं, ठीक है? तो यहां पे 6 से ज्यादा की ऑफकोर्स देन यू आर इन द सेफ जोन, लेस देन अगर आपने 6 किया देन ऑफकोर्स आपको ज्यादा मेहनत यहां पे करने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ जो वो भी मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू वेरी सून, बिकॉज आज भी हमारे बैक टू बैक लेक्चर्स होने वाले। टेक केयर।